है कि ये विश्व के लगभग दो तिहाई पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट 20 अपने आप में एक ऐसा इंटरनेशनल था को भी प्रभावित करने का क्षमता रखती है। G20 एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, हालांकि चूंकि इसका गठन G7 कंट्रीज के इनिशिएटिव पर 1999 में हुआ था, तो लोगों के बीच में एक ये भ्रम रहता है कि क्या ये G7 का ही एक पार्ट है, तो नहीं। हालांकि ये बात सही है कि 1999 में 7 औद्योगिकृत देशों ने, जिन्हें हम इंडस्ट्रियलाइज्ड इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं, G7 के नाम से जानते हैं, उनके इनिशिएटिव पर 1999 में इसका गठन हुआ। ये 20 देशों का एक संगठन है जिसमें 19 देश के अलावा एक यूरोपीय यूनियन है। ये डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज दोनों का एक फोरम है। इसका गठन इस उद्देश्य से किया गया था जिससे कि डेवलप और डेवलपिंग कंट्री के बीच का गैप कम करके और वैश्विक तौर पर एक आर्थिक मंच को डेवलप किया जाए जिससे कि ग्लोबल इकोनॉमी को महत्वपूर्ण तरीके से एड्रेस किया जा सके। इसका महत्व इस बात में भी है कि ये विश्व के लगभग दो तिहाई पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करती है। G20 कम से कम 60% लैंड एरिया वर्ल्ड का है जिसे कवर करती है। ये 80% जो ग्रॉस वर्ल्ड प्रोडक्ट है उसका 80% ये रिप्रेजेंट करती है, और साथ ही साथ अगर इंटरनेशनल ट्रेड में इसकी भूमिका देखें तो लगभग 70% लगभग दो तिहाई ट्रेड इन्हीं G20 कंट्री से होता है। इन तथ्यों के आधार पर कहा जा सकता है G20 अपने आप में एक ऐसा इंटरनेशनल फोरम है जो वर्ल्ड के ट्रेड को ही नहीं विश्व की अर्थव्यवस्था को भी प्रभावित करने का क्षमता रखती है, और इसलिए G20 एक महत्वपूर्ण संगठन है जिसके हर एक सम्मेलन पर विश्व की निगाहें रहती हैं, क्योंकि ये विश्व की अर्थव्यवस्था को ही नहीं विश्व के सभी प्रकार के संबंधों को भी प्रभावित करने की क्षमता रखती है।